मनीष सिसोदिया का पुतला दहन किया गया। दशहरे के अवसर पर यह पुतला दहन किया गया। उनका कहना है कि जल्द ही दिल्ली से केजरीवाल का नामो निशान बीजेपी हटा देगी। बीजेपी ने विजयदशमी के दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया का पुतला फूंका। बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल ने बिजली में भी घोटाला किया है। श्री गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी दिल्ली की जनता की बिजली सब्सिडी खत्म करना चाहती है। बीजेपी दिल्ली की जनता की सब्सिडी खत्म नहीं करना चाहती, जबकि दिल्ली की जनता का पैसा बचाना चाहती है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया के घर से कुछ नहीं मिला, वही इंतजार करें, केजरीवाल भी जेल जाएंगे, मनीष सिसोदिया भी जेल जाएंगे, सत्येंद्र जैन तो पहले से ही जेल में है। श्री गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार भाजपा पोल खोलेगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कई घोटाले किए हैं, जिसमें जल घोटाला, नकली घोटाला, बस घोटाला किया है। श्री गुप्ता ने कहा कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। बीजेपी दिल्ली से केजरीवाल नाम की बुराई को हटा कर ही दम लेगी। अमित जीजू, दिल्ली, समाचार 24। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के प्रति, दो ट्विन टावर भ्रष्टाचार के, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जिनकी अगुवाई में दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, बिजली घोटाला हुआ है, क्लासरूम के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, जल बोर्ड के अंदर घोटाला हुआ है, ड्यूसिप के अंदर घोटाला हुआ है, डीटीसी बस के अंदर घोटाला हुआ है, ऐसा हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जो दिल्ली की सरकार ने किया है, दिल्ली की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, उसके खिलाफ आज हम लोग दिल्ली की जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के प्रतीक अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार में कोई अंतर नहीं, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। मनीष सिसोदिया उनके शागिर्द, उनके प्रमुख साथी, वो भी भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को विजयदशमी के दिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के साथ मिलकर ये पुतला फूंक रहे हैं, ये प्रतीक है। लेकिन दिल्ली की जनता ने ये तय कर लिया, जो कमीशन खोर है, जो दलाली करते हैं, दिल्ली की जनता के जो टैक्स के पैसे को भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों की स्थान अब दिल्ली में नहीं है, देश में नहीं है, उनको यहाँ से जाना ही होगा। और भ्रष्टाचार का ये पुतला हम लोग फूंक कर ये संकल्प ले रहे हैं। राजेश जी, आपको नहीं लगता कि पोल्यूशन बढ़ेगा? वो भी रावण जला रहे हैं, आप लोग भी रावण जला रहे हैं, फिर अंतर क्या हुआ? पटाखे देखिए, दिल्ली के अंदर हमने जो पुतले बनाए हैं वो पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पोल्यूशन बढ़ाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उस भ्रष्टाचार के खिलाफ है और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सर, पुतले दहन करने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? देखिए, विजयदशमी का दिन है और ये पूरी दिल्ली की जनता ने